हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लासेस हमें आपने पढ़ा था यहाँ पर पे कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कि जो दैट मींस जो एग्जर्टेड प्रेशर है या जो अप्लाइड प्रेशर है यहाँ पर पे, दैट मींस द प्रेशर चार्ज्ड बाय द गैसेस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर आर डिविजिबल। ओके, तो उसका एक्सप्रेशन आपने बेसिकली क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं यहाँ पर पे। आपने प्रीवियस पेजेस में देखा होगा, आई मीन प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा था, दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज व्हाट, दिस इज योर एक्सप्रेशन, दिस इज द प्रेशर चार्ज्ड बाय द गैसेस ऑन द वॉल ऑफ द वेसर। ओके, आपने यहाँ पर पे ये भी देख लिया था प्रीवियस क्लासेस में कि ये जो आपका चार्ज प्रेशर है, प्रेशर चार्ज है यहाँ पर पे जो गैसेस के थ्रू विजल्स की वॉल पर अप्लाई किया जा रहा है यहाँ पर पे, इसका आपने काइनेटिक एनर्जीज के साथ, व्हाट आई एम सेइंग द मीन काइनेटिक एनर्जीज ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैसेस, आ रही बात यहाँ पर पे समझ, दैट मीन्स कैपिटल ई के साथ भी आपने इसका रिलेशन देख लिया था यहाँ पर पे। बेसिकली ये जो चार्ज प्रेशर है यहाँ पर पे, ये चार्ज प्रेशर क्या होता है यहाँ पर पे, मीन काइनेटिक एनर्जीज ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस का 2/3 होता है। इतना होता है यहाँ पर पे, 2/3 होता है यहाँ पर पे, आ रही बात समझ। तो ये जो है बेसिकली पी और ई के बीच रिलेशन था जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा। ओके, इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट द टेम्परेचर, द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, दैट मीन्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द मीन काइनेटिक एनर्जीज ऑफ गैसेस, ओके, between the mean kinetic energies of gases and the temperatures, or you can say the some other things not only the E, even in this concept of temperature we will relate the temperature with the root mean square velocities of gases, okay? So, देखते हैं फर्स्ट क्या होता है यहाँ पर पे, है ना। बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पर पे मैंने ये रिलेशन जो है वो यहाँ पर पे इस्टेब्लिश किया है, ये रिलेशन आप यहाँ पर पे देख सकते हैं, दैट मीन्स द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस जो है यहाँ पर पे आपका, दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस जो है, दैट मीन्स द सी बार और RMS जो यहाँ पर पे उसका रिलेशन क्या है यहाँ पर पे टेम्परेचर्स के साथ, बेसिकली दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो चलिए जरा से देखेंगे यहाँ पर पे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। फॉर दिस ओके, वी कंटिन्यू विद द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर। ओके, बाय द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वी हैव ऑलरेडी द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर, P is equals to 1/3 mN/V into C bar square, and you declared the equation number 1. Okay, this is C your equations, जिसके साथ आपको basically continue होना है यहाँ पर। ओके, अब यदि हम बात करें यहाँ पर किसकी, if in equations number 1 volume V it's a 1 mole volume of gas, then the number of molecules present inside that volume is known as the Avogadro number, okay, which is denoted by Na, and M and A will be gram moles weight of it. आ रही बात यहाँ पर समझ आपको। ओके, सो क्या किया जा सकता है अब इस बेसिस पर, क्या किया जा सकता है बताएं यहाँ पर पे? मैंने क्या कर देना है, PV is equals to, मतलब मैंने उसी इक्वेशन को एक स्टेप आगे लिखा है, ठीक है। यहाँ पर पे क्या दे रहा जाएगा, यहाँ पर पे PV is equals to 1/3 mN/A C dash square आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी C bar square, बट एम एन ए इज इक्वल्स टू वॉट, एम ओ इट मीन्स वॉट यहाँ पर पे, देखिए क्या लिखा है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल्स वेट पढ़ रहे हैं यहाँ पर पे, ठीक है। यहाँ पर पे दैट मीन्स दी वी आर टॉकिंग अबाउट द वेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द टर्म ऑफ ग्राम्स, ठीक है। यहाँ पर पे विच इज डिनोटेड बाय एम ओ, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल वेट। तो पी वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर पे आपके पास, तो एम एन ए को आप रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर पे किससे, एम ओ से रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर पे, और इसे इक्वेशन नंबर 2 डिक्लेयर कर देते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पर पे, फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशंस फॉर 1 मोल व्हाट वी हैव पी वी इज इक्वल्स टू RT। ओके, तो यू कैन सी हियर द इक्वेशंस नंबर 1, सॉरी इक्वेशंस नंबर 2 एंड द इक्वेशंस नंबर 3,
ओके बोथ आर सेम इट मीन्स दोनों के लेफ्ट इक्वल्स हैं तो दोनों के राइट को बैलेंस किया जा सकता है. तो वही काम मैंने यहाँ पर पे किया. जब मैं दोनों इक्वेशंस के राइट को बैलेंस कर रही हूँ तो मुझे सी बार स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाता है यहाँ पर पे 3RT/MO मिल जाता है यहाँ पर पे, जिसे मैं इक्वेशन नंबर 4 डिक्लेयर कर देती हूँ. नेक्स्ट व्हाट, सी बार स्क्वायर से सी बार एम्प्लाइज करा देती हूँ, दैट मीन्स टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स. ओके नेक्स्ट व्हाट, यहाँ पर पे आप देख सकते हैं बेसिकली सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टेंट हैं यहाँ पर पे. एज यू नो 3 तो नंबर है तो कॉन्स्टेंट रहेगा यहाँ पर पे. बात करें सेकेंडरी आर, आर तो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, हियर इज नो डाउट. एंड एम जीरो, एम जीरो इज वॉट, इज जस्ट अ ग्राम मॉलिक्यूल वेट. और ड्यूरिंग प्रोसेस या ड्यूरिंग एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो तो चेंज होने नहीं है ऑब्वियस. जो मास होता है कभी भी वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो मास जो होता है वो किसी भी चीज़ का मास हो, किसी भी बॉडी का हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का हो, किसी भी टाइप ऑफ मटेरियल या सब्सटेंस का हो, मास जो है वो ड्यूरिंग प्रोसेसर या कंप्लीट प्रोसेसर होने के दौरान तक भी एज यूजुअल कॉन्स्टेंट बना रहता है यहाँ पर. आरी बात समझ, तो मास जो होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्स्टेंट ही ट्रीट किया जाता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं क्या बेसिकली कॉन्स्टेंट. न्यूमिनेटर में जो आप टर्म्स देख रहे हैं यहाँ पर, दैट मीन्स द 3R/3M. और डिनोमिनेटर में आप बेसिकली देख रहे हैं यहाँ पर MO, दैट मीन्स द मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स, सॉरी वेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द टर्म ऑफ ग्राम. तो ये जो है पूरा कॉन्स्टेंट यहाँ पर पे, दिस कॉन्स्टेंट को अवॉइड किया जाए, दैट मीन्स या कॉन्स्टेंट को रिप्लेस किया जाए. दैट मीन्स मैं यदि इस इक्वेशन से रिलेशन एम्प्लाइज कराऊँ तो रिलेशन कुछ इस तरीके से निकलेगा यहाँ पर पे. रिलेशन क्या निकलेगा यहाँ पर पे, सी बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टी. बेसिकली आप लोगों को ये तो पता ही होगा बेटा यहाँ पर पे कि जब कभी क्या होता है, कोई रिलेशन होता है, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच कोई रिलेशन होता है, तो जब उससे इक्वेशन एम्प्लाइज कराया जाता है तो इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस होता है. और इस चीज़ को आप प्रीवर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट मीन्स जैसे कि यहाँ पर पे इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट क्या यहाँ पर पे रूट ओवर 3R/MO, ये कंप्लीट क्या यहाँ पर पे कॉन्स्टेंट है. यदि इस ओवरऑल को, इसमें से रूट टी को हम सेपरेट कर देते हैं, आ रही बात समझ, तो ये ओवरऑल क्या है, कॉन्स्टेंट है यहाँ पर पे. इस कॉन्स्टेंट को यदि मैं कंसिडर कर लूँ कुछ भी एक अनदर कॉन्स्टेंट कंसिडर कर लूँ, अनदर कॉन्स्टेंट के तौर पर आप कुछ भी ले सकते हैं. सपोज मैंने ले लिया यहाँ पर पे, तो आपको बात कुछ समझ में आ रही है यहाँ पर पे, क्या तैयार हो जाएगा, सी बार इज इक्वल्स टू के रूट टी. यदि मैं इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट को रिप्लेस करूँ तो मुझे सी बार और क्या बोलना चाहिए यहाँ पर पे, सी बार दैट मीन सी बार और टेम्परेचर टी के बीच एक रिलेशन मिल जाता है यहाँ पर पे. और वो रिलेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा, सी बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर्स. अरे बात यहाँ पर पे समझ, ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम मीन रूट. समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं समझ में आ रहा है आपके, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है बेटा. आप लोग 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि जब कभी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर पे, यदि रिप्लेस करते हैं या उससे रिलेशन एम्प्लाइज कराते हैं तो इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट को हटा के हम डायरेक्टली रिलेशन लिख सकते हैं. आ रही बात समझ यहाँ पर पे. तो इस तरीके से क्या हो जाता है यहाँ पर पे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस और द टेम्परेचर ऑफ इट्स गैसेस के बीच रिलेशन जो है वो स्टैब्लिश हो जाता है. रिलेशन हमको पता चलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का. ये रिलेशन बहुत काम आएगा बेटा, इसलिए इसको बॉक्स में एनक्लोज कीजिए और दिमाग में रखिएगा. आ रही बात समझ में क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, इसको दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखिएगा. ठीक है, आगे बहुत जगहों पर भी यूज़ होगा. चलिए लेट्स सी, अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर पे. इससे आपको जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या निकलता है यहाँ पर पे, दैट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ सुपर टेम्परेचर्स ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूल्स ऑफ स्क्वायर मीन रूट ऑफ वेलोसिटी. चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर पे इक्वेशन नंबर 4. इसी इक्वेशन नंबर 4 जिससे मैंने अभी डिक्लेयर किया था यहाँ पर पे, प्रीवियस इक्वेशन नंबर 4 जो था हमारे पास, बेसिकली हम उसी इक्वेशंस के साथ कंटिन्यू हो रहे हैं. दैट मींस इस वाले इक्वेशंस के साथ, ये जो आपका इक्वेशन है यहाँ पर पे, इस इक्वेशंस के साथ कंटिन्यू हुआ जा रहा है यहाँ पर पे. देखते हैं क्या किया जा सकता है यहाँ पर पे. ओके नॉट दिस वन, इसके प्रीवियसली क्या था यहाँ पर पे, इसके प्रीवियसली आई थिंक ये था आप लोगों का, हाँ ये इक्वेशन नंबर 4, दैट मींस इसके साथ, इसके जस्ट इक्वेशन नंबर 4 के ऊपर जो इक्वेशन है यहाँ पर पे, ठीक है, इसके साथ तब हम कंटिन्यू होंगे आगे की थ्योरीज के लिए या आगे के एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पर. तो लेट्स कंटिन्यू विद द इक्वेशंस. अब मैं इसमें बेसिकली करके आ रही हूँ यहाँ पर पे, आप देख सकते हैं मैं क्या कर रही हूँ, लास्ट में क्या कर रही हूँ यहाँ पर पे, 2 का गुणा और भाग, जिसको आप पढ़ते हैं बेसिकली 2 मल्टीप्लाई एट द सेम टाइम 2 को डिवाइड कर यहाँ पर. ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ यहाँ पर पे, क्योंकि मुझे क्या तैयार करना है यहाँ पर पे, अब मुझे एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है यहाँ पर पे कैपिटल ई और कैपिटल टी के बीच. दैट मीन्स द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस
और उसका टेम्परेचर्स के साथ हमको क्या करना है, रिलेशन स्टैब्लिश करना है. और जैसे कि आपको मीन काइनेटिक एनर्जीज का एक्सप्रेशन बेसिकली पता है, ई इज इक्वल्स टू हाफ एम सी बार स्क्वायर. मेरे पास लास्ट में एम सी बार स्क्वायर तो है बट अनफॉर्चुनेटली हाफ नहीं है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर क्या करूँ, दो का गुणा दो का भाग करके ये एक्सप्रेशन यहाँ पर पे तैयार कर लेती है. अब आपने देखा होगा ऐसा काम मैंने पहले भी किया है. इस ओवरऑल को रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पर पे किससे, आगे जाकर ई से रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पर पे, क्योंकि एक्सप्रेशन किस चीज़ का एक्सप्रेशन है, मीन काइनेटिक एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक्सप्रेशन है यहाँ पर पे. ऐसा मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के लिए किया और बाद में मैंने उसी इक्वेशन को बेसिकली बिल्कुल बेसिक सॉल्व किया. आप देख सकते हैं यहाँ पर पे बिल्कुल बेसिक सॉल्व किया है मैंने. इसमें नया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इवन एक सिंगल टर्म भी नहीं यहाँ पर पे. एम जीरो जो था यहाँ पर पे वो मैंने किसको कंसिडर किया था यहाँ पर पे बेटा, एम एन ए को कंसिडर किया था. याद होगा अभी मैंने प्रीवियस पेज में ही किया था यहाँ पर पे, तो मैंने वापस उसको क्या लिख दिया, एम एन जीरो लिख दिया. और एम सी जो बार स्क्वायर है यहाँ पर पे, दैट मीन्स लास्ट में जो एक्सप्रेशन तैयार हो रहा है वो किस चीज़ को बता रहा है, अभी मैंने बताया था मीन काइनेटिक एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स कहलाएगा यहाँ पर पे. तो लास्ट जो है वो कैपिटल ई आ जाता है, और जबकि राइट में क्या चल रहा है यहाँ पर पे, आपके पास ये एक्सप्रेशन चल रहा है राइट में. तो अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पर पे कि लास्ट में मीन काइनेटिक एनर्जी और राइट में जो है वो यहाँ पर पे क्या आपका टेम्परेचर है. तो इस तरीके से आपको मीन काइनेटिक एनर्जीज और टेम्परेचर के बीच रिलेशन जो है, एग्जैक्ट रिलेशन जो है यहाँ पर पे, वो कुछ ऐसा पता चलता है यहाँ पर पे. यदि हम रिलेशंस की बात करें तो रिलेशन क्या है, ये तो इक्वेशंस हो गया. लास्ट में मीन काइनेटिक है और राइट में क्या टेम्परेचर टी है. बेसिकली देखेंगे आप यहाँ पर पे, बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पर पे मैंने आर बाय एन ए जो है यहाँ पर पे, देखेंगे आप यहाँ पर पे आर बाय एन ए जो है यहाँ पर पे, चूंकि आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है और एन ए जो है वो यहाँ पर पे नंबर ऑफ क्या यहाँ पर पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन पर यूनिट ऑन पर यूनिट वॉल्यूम है यहाँ पर पे. पर यूनिट वॉल्यूम से मेरा मतलब वन मोल वॉल्यूम ऑफ गैसेस है यहाँ पर. और जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर पे वन मोल वॉल्यूम ऑफ गैसेस में प्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम एवोगैड्रो नंबर पढ़ते हैं. और इसके पहले भी मैंने आपको बताया ये जो रेशियो है वो आपका क्या कहलाता है यहाँ पर पे, बेसिकली वो रेशियो आपका क्या कहलाता है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट कहलाता है. तो मैंने आर बाय एन ए को रिप्लेस कर दिया यहाँ पर पे किससे, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट से. अब देखिए 3/2 भी कांस्टेंट है और के भी तो ऑलरेडी बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है एज यू नो. तो कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ सिंप्लीफिकेशन, दैट मीन्स एक तीसरा कांस्टेंट या इस ओवरऑल को एक तीसरा कांस्टेंट कंसिडर कर लीजिए. अब इज इक्वल्स टू कांस्टेंट को यदि मैं रिप्लेस करूँ तो मुझे ई और टी के बीच एग्जैक्ट रिलेशन का पता चल जाता है. दिस इज द एक्चुअल रिलेशन बिटवीन दी मीन काइनेटिक एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस एंड इट्स टेम्परेचर्स. आ रही बात है यहाँ पर आपको समझ. और रिलेशन फिर से मुझे कैसा मिला बेटा यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन मिला है. समझ में आ रहा है कैसा रिलेशन मिला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का. चलिए यदि मैं इसी एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 6 के साथ कंटिन्यू और इसी इक्वेशन नंबर 6 पर कोई एक केस अप्लाई करती हूँ, कैसा केस, यदि मैं बात करूँ किसकी, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर्स, नॉट रियली, मैं यदि कंडीशन अप्लाई करूँ किसकी, टी इज इक्वल्स टू जीरो पर. तो टी इज इक्वल्स टू जीरो पर दैट मीन्स जबकि टेम्परेचर क्या हो, जीरो हो. तो इसी इक्वेशन नंबर 6 से आप क्या देखेंगे यहाँ पर पे, आपको क्या मिलेगा, इसी इक्वेशन नंबर 6 से आप देखेंगे ई इज इक्वल्स टू आपको जीरो मिल जाएगा. और E इज इक्वल्स टू जीरो हो रहा है और प्रीवियस इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, C बार भी जीरो मिलेगा. क्या समझ में आ रहा है आपको यहाँ पर पे, C बार तो जीरो हो ही रहा है प्रीवियस इक्वेशन नंबर 5 से और इक्वेशन नंबर 6 से E भी जीरो हो रहा है यहाँ पर पे. इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि टेम्परेचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. यदि किसी सूरत में टेम्परेचर जीरो हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, ना तो उसके लिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज हो गया यहाँ पर पे, और चूंकि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी नहीं है एंड दैट्स व्हाई वहाँ पर पे कोई मीन काइनेटिक एनर्जीज भी नहीं होंगी. समझ में आ रहा है यहाँ पर पे, सब चीज़ जीरो हो जाएगी यहाँ पर पे. तो बोथ आर हाईली डिपेंडेंट ऑन दी टेम्परेचर्स, जस्ट बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर दैट्स वाई दे विल डेफिनेटली डिफेक्टेड बाई दी टेम्परेचर. आ रही बात है यहाँ पर पे समझ, इफेक्ट तो पड़ेंगे ही. यदि टेम्परेचर जीरो होगा तो ऑब्वियसली ये दोनों चीज़ें भी जीरो हो जाएंगी यहाँ पर पे, ठीक है. चलिए आप आगे आप देखेंगे यहाँ पर पे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर्स को मैंने यहाँ पर पे डिफाइन किया है, ठीक है. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर्स. व्हाट्स द मीन बाय द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर्स, वो टेम्परेचर जिस पर क्या हो यहाँ पर पे, जिस पर मॉलिक्यूल्स का, अरे बात समझ, मॉलिक्यूल्स का स्क्वायर रूट मीन वेलोसिटी, दैट मीन्स आप इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर पे, स्क्वायर रूट मीन, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और द नंबर ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जीज बिकम्स जीरो. आ रही बात यहाँ पर पे समझ, जिस टेम्परेचर्स पर मैंने क्या बोला अभी, मैंने जो कंडीशन अप्लाई की, मैंने क्या बोला टी इज इक्वल्स टू जीरो पर क्या हो जाएगा, मैंने बेसिकली क्या बोला टी इज इक्वल्स टू जीरो पर
when we are talking about the temperature T is equals to 0 पर क्या क्या चीज़ें 0 मिल रही, बेसिकली C bar 0 हो जा रहे हैं और आपका E 0 हो जा रहा है. C bar that means root mean square, velocity. और क्या हो जाएगा यहाँ पर at the same time the mean kinetic energies both becomes 0. ठीक है यहाँ पर पे at which temperature that temperature is called the absolute zero temperatures. इसे हम absolute zero temperatures पढ़ते हैं. ठीक है ध्यान रखेंगे यहाँ पर पे. अच्छा इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बेसिकली जो रिलेशन था अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, आपने एक रिलेशन देखा था जो इसके बीच प्रीवियसली आपने देखा था यहाँ पर पे कि CRM, ठीक है CRMS क्या देखा था यहाँ पर पे, इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल्स टू रूट टी. और आपने जब दोनों साइड स्क्वायर हायर किया तो आपको मिलता है यहाँ पर पे दी सी बार का स्क्वायर इज इक्वल इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वॉट टी. देखा था इफ एम आर आई टी याद आ रहा है कुछ आप लोगों को, प्रीवियस पेज में देखा होगा आप लोगों ने. इसे आपको क्या समझ में आता है, देखियो भाई सी बार स्क्वायर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रपोर्शनल है, ना कि सी बार स्क्वायर ना यहाँ पर ध्यान रखिए. तो सी बार स्क्वायर तो कभी भी नेगेटिव होगा नहीं ऑब्वियसली भाई, क्योंकि वो स्क्वायर है तो स्क्वायर टर्म तो कभी नेगेटिव होता नहीं यहाँ पर. और चूंकि वो कभी नेगेटिव नहीं होगा दैट मीन्स जो आपका यदि हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स की बात करें दैट मीन्स टी की यदि हम बात करें तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. ये बात समझ में आती है. और यही रीज़न है यहाँ पर पे कि केल्विन ने जो है अपने स्केल पर जो है वो यदि हम बात करें यहाँ पर पे लिस्ट टेम्परेचर्स की है ना, टेम्परेचर स्केल्स पर किसने, केल्विन ने टेम्परेचर स्केल पर लिस्ट टेम्परेचर किसको बताया, जीरो केल्विन को बताया. जीरो से कम दैट मीन्स माइनस पर वो टेम्परेचर्स को मेज़र नहीं करता. उनके लिए जो लिस्ट या जो मिनिमम टेम्परेचर्स हैं उनके स्केल पर वो क्या है, जीरो केल्विन. रीज़न समझ में आ रहा है क्योंकि टेम्परेचर्स क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता. किसके अकॉर्डिंग, बाय दिस रिलेशंस. ये रिलेशन क्या है यहाँ पर भी देखिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस का स्क्वायर जो यहाँ पर पे का स्क्वायर बोल रहे हैं यहाँ पर पे आ रही बात समझ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर्स का. जस्ट बिकॉज स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता सो दैट्स व्हाई टेम्परेचर्स नेवर बिकम्स जीरो. एंड दैट्स व्हाई केल्विन्स के जो स्केल है यहाँ पर पे दैट मीन्स द स्केल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, उसमें कभी भी टेम्परेचर्स आपको नेगेटिव नहीं दिखते या उसमें आप मिनिमम टेम्परेचर्स की बात करें तो वो जीरो केल्विन से स्टार्टेड है. लेट मी क्लियर, ठीक है. रीज़न ये यहाँ पर पे यही बनता है. और आगे आप देखेंगे यहाँ पर पे आगे आप देखेंगे द डेरिवेशन ऑफ गैस लॉ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक्स थ्योरी. क्या है भैया यहाँ पर पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है. होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ. चलिए तो अब हम देखेंगे यहाँ पर पे द डेरिवेशन. यहाँ पर पे देखिए आप किसी को भी डिराइव कर सकते हो किसी भी लॉ को, ठीक है. दैट मीन्स गैसेस, यदि हम गैस लॉ की बात करें यहाँ पर पे तो हम गैस लॉ से बहुत सारे गैस लॉज हमने अब तक में पढ़े, जैसे बर्ल्स लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा हमने, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर्स का भी लॉ पढ़ा हमने, बहुत से लॉज पढ़े यहाँ पर पे. वो सारे लॉ जो हैं वो फुलफिल या प्रूफ किए जा सकते हैं, डिराइव करके दिखाए जा सकते हैं बाय द व्हाट, बाय द बेसिस ऑफ काइनेटिक्स थ्योरी. तो एक्चुअली द काइनेटिक थ्योरी इज व्हाट, या काइनेटिक थ्योरी में जो एज्यूम्पशंस हैं उस बेसिस पर हमको मिला क्या, वी सक्सेसफुली कैलकुलेट द प्रेशर चार्ज्ड बाय द गैसेस ऑन द वॉल ऑफ द विजर. आ रही बात यहाँ पर समझ. तो आपके पास एक्चुअली मैं बोलती हूँ यदि बाय द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी दैट मीन्स यू हैव दिस वन इक्वेशन. व्हाट यू हैव दिस वन इक्वेशन, ठीक है. यहाँ पर दिस इज सॉरी ऊपर वाले देखेंगे यहाँ पर दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर. ये कहाँ से आया, बाय द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. तो जब कभी मैं आपसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोलूँगी तो प्रेशर के आप इसी एक्सप्रेशन के साथ कंटिन्यू हो जाते हैं यहाँ पर. दैट मीन्स प्रेशर पी इज इक्वल्स टू हाँ 1/3 है ना इंटू क्या आएगा यहाँ पर एम एन सी बार स्क्वायर बाय कैपिटल वी आएगा यहाँ पर पे. अब वी को शिफ्ट कर दिया, पी वी इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ये तो आपको समझ में आया होगा. बस मैंने राइट से वॉल्यूम को लेफ्ट में शिफ्ट किया यहाँ पर लास्ट में. अब एम एन मास इंटू क्या दिया यहाँ पर आपको, मॉलिक्यूल्स यहाँ पर. तो एम एन को हम क्या पढ़ सकते हैं, कैपिटल एम दैट मीन्स द मास ऑफ गैसेस के तौर पे पढ़ सकते हैं यहाँ पर. एम जो है बेटा वो बेसिकली क्या है, किसी एक मॉलिक्यूल्स का मास है और हमारे पास कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. तो एम एन बोलती हूँ यहाँ पर तो ऑब्वियसली हमको टोटल मास का पता चल जाता है. दैट मीन्स द टोटल मास ऑफ द टोटल मॉलिक्यूल्स दैट मीन्स द मास ऑफ गैसेस का हमको पता चल जाता है, जिसे हम कैपिटल एम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर. अब मैंने एम एन को रिप्लेस कर दिया यहाँ पर कैपिटल एम से. अब चूंकि आपके पास रिलेशन क्या है यहाँ पर सी बार स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर टी, सो द सी बार स्क्वायर रिमेन कॉन्स्टेंट एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. सीधी सी बात है भाई यहाँ पर सी बार स्क्वायर
directly proportional to what? Temperature. और temperature ही constant है, ऐसे condition में obviously c बाय स्क्वायर भी constant role play करेगा, वो भी constant बना रहेगा यहाँ पर पे. तो अब देखिए 1 बाय 3 तो constant है, number है, m mass है, mass basically constant रहता ही है. c बार बस मेन जो था जिसमें वेरिएशन होने की पॉसिबिलिटी थी, बट चूंकि मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लिया एंड दैट्स व्हाई ये ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया यहाँ पर. अब ये ओवरऑल एक्सप्रेशन कांस्टेंट है, दैट मींस जो लेफ्ट का यहाँ पर पे प्रेशर और वॉल्यूम है यहाँ पर पे, दैट मींस जो पी वी है वो इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पर पे, कांस्टेंट हो जाता है. दैट मींस पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V. प्रेशर वॉल्यूम के बीच रिलेशन हमको मिलता है जो कि इनवर्स प्रोपोर्शनल का है. आधी बात समझ, या पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट जो हमको मिलता है, या क्या है ये बर्ल्स लॉ यहाँ पर. तो इस तरीके से आपका बर्ल्स लॉ जो है वो प्रूफ्ड होता है. तो इस तरीके से डिडक्शन कंप्लीट होता है. और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिडक्शन ऑफ चार्ल्स लॉ भी कर सकते हैं. एंड हाउ कुड बी पॉसिबल, अगेन कंटिन्यू विद द सेम एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर्स विच हैज़ बीन गिवन बाय द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. वॉट वी हैव दिस एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर, देख सकते हैं आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर. अगेन इसी के साथ आपको कंटिन्यू होना है. अब जैसे कि आपको पढ़ा हुआ है, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया कि चार्ल्स क्या बोलता है. चार्ल्स जो है वो एक्चुअली में क्या करता है यहाँ पर पे, चार्ल्स जो है वो एक्चुअली में किन दो के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करता है, किन दो के बीच करता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर्स के बीच. ये क्या बताता है यहाँ पर पे, वॉल्यूम और टेम्परेचर, लेकिन कॉन्स्टेंट प्रेशर की कंडीशन में वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करता है. रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का. दिस इज व्हाट, दिस इज द चार्ल्स लॉ. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स, यदि आपको चार्ल्स लॉ को डिराइव करके बताना है, दैट मीन्स आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर्स के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर स्टैब्लिश करके दिखाना होगा. अरे बात समझ. एंड हाउ कुड बी पॉसिबल, फॉर दिस अगेन वी विल कंटिन्यू विद द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ गैसेस वी हैव दिस वन एक्सप्रेशन. That means again continue with the same expressions of pressure. यहाँ देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, बहुत ही simple है, वही steps मैंने repeat किए यहाँ पर पे. और चूंकि मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर पे, since during process mass remaining constant, so that's why at constant pressure we get, देखिए mass तो constant है, here is no doubt. At the same time मैं इस प्रोसीजर में चूंकि मैं चार्ल्स लॉ को deduce कर रही हूँ, उसके डायरेक्शंस की बात करिए, चार्ल्स लॉ बेसिकली कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है, तो मुझे कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशंस अप्लाई करनी ही पड़ेगी यहाँ पर पे. तो देखिए प्रेशर कांस्टेंट हो गया यहाँ पर पे, आपका प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है यहाँ पर पे, तो बेसिकली हमको क्या मिल जाता है, यदि मैं प्रेशर को कहाँ शिफ्ट कर दूँ, मतलब एक स्टेप में जो लिखना चाहती हूँ वो क्या लिख सकती, इससे मैं इक्वेशन क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर पे, आप देखिए ऊपर लिख रही हूँ मैं, कांस्टेंट को एक तरफ अरेंज कर दीजिए, तो वी इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं बेसिकली 1/3 एम बाय पी. आ रही बात यहाँ पर पे आपको समझ, और सी बार स्क्वायर को कर दीजिए अलग. ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर पे. अब ये ओवरऑल कांस्टेंट है क्योंकि मैं कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन अप्लाई कर रही हूँ. 1/3 तो कांस्टेंट था ही, मास भी कांस्टेंट था, प्रेशर को मैंने कांस्टेंट कंसिडर कर लिया, एट अ टाइम ले लिया, तो ये ओवरऑल कांस्टेंट है. इसे एक तीसरा कांस्टेंट यदि मैं कंसिडर कर लूँ, सपोज के अभी के लिए टेम्पररी, तो आपको क्या मिल जाता है, वॉल्यूम और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज के स्क्वायर के बीच एक रिलेशन मिल जाता है, और रिलेशन कुछ इस तरीके से यहाँ पर है. ठीक है, मतलब दो फिजिकल क्वांटिटीज वॉल्यूम और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज के बीच रिलेशन मिल जाता है. डोंट यू फॉरगेट इट, आपके पास ऑलरेडी एक रिलेशन है, दैट मीन्स द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज ऑलरेडी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. एज यू नो पहला रिलेटेड है दूसरे से, और दूसरा रिलेटेड है तीसरे, तो ऑब्वियसली पहले और तीसरे के बीच भी रिलेशन होगा. आ रही बात समझ, चूँकि वॉल्यूम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी बार स्क्वायर के, एंड सी बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर. सो अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन एम्प्लाइज द रिलेशन बिटवीन टू व्हाट, रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर्स, एंड दे विल डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इच अदर व्हेन यू आर गोइंग टू कंबाइनिंग द बोथ रिलेशंस. आ रही बात यहाँ पर पे समझ. सो इन दिस वे यू कैन डिराइव द चार्ल्स लॉ. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, विच वन इज नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ द गैस इक्वेशंस. व्हाट इज द गैस इक्वेशंस, फर्स्ट व्हाट इज द गैस इक्वेशंस, गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल्स टू आर टी, ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पर पे. दिस इज द आइडियल इक्वेशन, यू कैन से आइडियल गैस इक्वेशंस फॉर द वन मोल गैसेस. आ रही बात यहाँ पर पे समझ. और जनरल स्टेट इक्वेशन यू कैन से पी वी इज इक्वल्स टू आर टी. अब आपको करना क्या है, अगेन आपको चूंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे ही इसको यूज़ करना है या
डिराइव करना है यहाँ पर. सो अगैन यू हैव टू कंटिन्यू विद द सेम एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर. देखिए बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है, सीधी सी बात है. आपको क्या करना है, प्रेशर और वॉल्यूम को रखना है, और दूसरी तरफ आपको क्या रखना है, दूसरी तरफ आपको टेम्परेचर्स को रखना है. हमारी बात समझ है यहाँ पर. यदि आप पी वी इक्वल्स टू आर टी इक्वेशन को डिराइव करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं इधर तक यदि मुझे पहुँचना है, इधर पहुँचने से पहले दिस इज द लास्ट एंड दिस वन इज द सेकेंड लास्ट. तो यदि मुझे पी वी इक्वल्स टू आर टी डिराइव करना है, तो उसके पहले मुझे पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी जो है एम्प्लाइज कराना होगा. एंड हाउ कुड बी पॉसिबल इज दिस. लास्ट में क्या होना चाहिए, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट. तो राइट में क्या बचना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तीसरा थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल, दैट मीन्स द टेम्परेचर्स. तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर भी ये जो राइट में इतना लंबा चौड़ा जो टर्म है, उसमें से वॉल्यूम आप शिफ्ट कर दीजिए, तो आपके पास बचता है, आपके पास बेसिकली क्या बच रहा है यहाँ पर भी, आपके पास बेसिकली बच रहा है ये वाला. अब इस ओवरऑल को टेम्परेचर से कैसे रिलेट, मतलब टेम्परेचर से कैसे रिलेट करें, तो जैसे कि आपको पता है एम एन इज इक्वल्स टू वॉट. पहले तो आप एम एन को क्या कर देते, कैपिटल एम से रिप्लेस कर देते, तो आपको मिल जाता है कुछ ये काम आपने पहले भी किया हुआ है. इफ़ एम आर राइट, एम एन जो कि है यहाँ पर क्या, द मास ऑफ द गैसेस. ठीक है, गैसेस जो कि क्या, कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी, तो कंप्लीट मास को हमने कैपिटल एम कंसिडर किया. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर पे, अब 1/3 कैपिटल एम, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा यहाँ पर पे, आपका कांस्टेंट हो जाएगा. और ये इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के साथ क्या होगा यहाँ पर पे, क्या हो जाएगा यहाँ पर पे, रिलेशंस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो देखिए यहाँ पर पे मैंने वही किया है, यहाँ पर पे इज इक्वल्स टू कांस्टेंट को रिलेशन के फॉर्मेट में लिखा है यहाँ पर पे. तो लेफ्ट में आ गया यहाँ पर पे पी वी, और राइट में आपका बच रहा है क्या, सी बार स्क्वायर. और जस्ट बिकॉज सी बार स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, जैसे कि हमने पहले डिराइव किया था यहाँ पर पे, आपको पहले भी मैंने कहा है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर पे सी बार स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. तो अगेन सेम सिचुएशन है यहाँ पर पे, दैट मीन्स पहला दूसरे के साथ रिलेट है और दूसरा तीसरे के साथ रिलेट है. तो ऑब्वियसली पहले और तीसरे के बीच भी रिलेशन होगा, क्योंकि पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी बार स्क्वायर के, और सी बार स्क्वायर जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, तो ऑब्वियसली पी वी भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टी के. तो इन दिस वे यू कैन एम्प्लाइज पी वी इज इक्वल्स टू आर टी. आफ्टर दिस ऑब्वियसली यदि पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा, तो अब आपका जो कॉन्स्टेंट आएगा वो कैपिटल आ रहा है यहाँ पर पे. आ रही बात समझ यहाँ पर पे, लेट मी वेरी क्लियर. तो बहुत ही सिंपल है. इस तरीके से आप कोई भी लॉ ऑफ गैसेस जो है वो यहाँ पर पे आराम से डिराइव कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल है. बेसिकली आपको लॉ पता होना चाहिए कि भाई किन दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच है, और किस कंडीशन पे वो लॉ फुलफिल होता है या लॉ वर्क करता है यहाँ पर पे. आरी बात समझ, तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए. ठीक है, अब एवोगैड्रो लॉ के यहाँ पर पे, एवोगैड्रो लॉ मतलब जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा, जब आप एवोगैड्रो नंबर पढ़ रहे थे यहाँ पर पे, उस वक्त पर पे आपने एवोगैड्रो हाइपोथेसिस मैंने बताया था, आपको याद होगा जब मैंने पहली क्लास ली थी यहाँ पर पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, तो मैंने आपको बताया था दी हाइपोथेसिस ऑफ एवोगैड्रो. ठीक है, यहाँ पर पे एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के बाद मैंने आपको एवोगैड्रो नंबर को इंट्रोड्यूस किया था, इफ़ यू आर रिमेम्बर. ओके, यदि नहीं याद है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर पे मैं आपको एवोगैड्रो लॉ बता देती हूँ. यहाँ पर पे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हाट वी हैव, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बोलता है यहाँ पर पे, द इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सेम वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस at the same pressure and the same temperatures is the same. आज बात यहाँ पर पे समझ, यदि हम क्या ले रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको उस दिन भी एक्सप्लेन किया था यहाँ पर पे, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को बताया था यहाँ पर पे क्या है, कि भाई यदि आप डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस ले रहे हैं यहाँ पर पे, डिफरेंट सैम्पल ऑफ गैसेस लेते हैं, सपोज 3 डिफरेंट सैम्पल ऑफ गैसेस आपने ली, बट तीनों जैसे मैंने 3 डिफरेंट सैम्पल ऑफ गैसेस ली यहाँ पर पे, और तीनों में ही क्या है, प्रेशर सेम है, तीनों में ही वॉल्यूम सेम है यहाँ पर पे, सॉरी वॉल्यूम की तो बात ही नहीं करें यहाँ पर, तीनों में प्रेशर सेम है और तीनों में टेम्परेचर भी एक सा है. तो ऐसी कंडीशंस में क्या बोलते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, या ये लॉ क्या बोलते हैं यहाँ पर पे, कि भाई उन तीनों गैस सैंपल्स में जो प्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पर पे, वो भी एक से होंगे. दैट मीन्स द इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट इन द इन वॉट इन द इन दैट सैम्पल. आ रही बात यहाँ पर पे सैंपल ऑफ द गैसेस, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ये लॉ बोलते हैं यहाँ पर पे, है ना. तो बेसिकली आपको इस लॉ को यदि डिराइव करना है, तो आप तीन नहीं तो एटलीस्ट दो सही, बट कम से कम आपको 2 डिफरेंट गैसेस का सैंपल कंसिडर करते हुए चलना होगा यहाँ पर पे, या लेते हुए चलना होगा. तो जैसे मैंने यहाँ पर पे क्या किया, यहाँ पर पे लेट सपोज ए एंड बी आर द 2 डिफरेंट गैसेस ऑफ द सेम प्रेशर पी एंड ऑफ द सेम टेम्परेचर टी.
दो गैस सैंपल्स मैंने ए और बी लिए हैं यहाँ पर पे, और जो दोनों क्या है सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर था दोनों में, ठीक है यहाँ पर पे। सो अकॉर्डिंगली द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देयर प्रेशर्स विल बी एक्सप्रेस बाय द इक्वेशन नंबर वन एंड टू। देखिए यहाँ पर पे दोनों का प्रेशर सेम है, और जबकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग आप क्या जानते हैं यहाँ पर पे प्रेशर और चार्ज का एक्सप्रेशन जानते हैं। अब चूंकि मैं फर्स्ट गैस ए के लिए बोल रही हूँ, तो मैंने रिस्पेक्ट में क्या ले लिया ए भाई, उसके लिए यदि मैं क्या बोल दूँ यहाँ पर पे, यदि मैं किसी एक मॉलिक्यूल्स का मास एम वन कंसिडर कर लेती हूँ, और उसमें यदि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एन वन कंसिडर कर लेती हूँ, और यदि मैं वहाँ पर पे मॉलिक्यूल्स के लिए मीन काइनेटिक वेलोसिटीज़ को सी वन कंसिडर कर लेती हूँ, आ रही बात यहाँ पर पे समझ। ये पहली गैस ए के लिए जो इक्वेशन नंबर वन है, तो वहीं पर पे इक्वेशन नंबर टू क्या हो जाता है यहाँ पर पे अनदर गैस सैंपल बी के लिए यहाँ पर पे एक्सप्रेशन किसका प्रेशर का यहाँ पर पे इक्वेशन नंबर वन एंड टू। तो वेयर एम वन एंड एम टू आर द मासेस ऑफ द ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली सेकंड गैस बी के लिए मैंने रिस्पेक्ट में टू लिखा है यहाँ पर पे। देख रहे हैं यहाँ पर पे जो डिफरेंसेस है वो सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, द मास ऑफ द ईच मॉलिक्यूल एंड द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन दैट एंड द मीन काइनेटिक एनर्जीज को लेकर के मैंने डिफरेंसेस लिए हैं यहाँ पर पे। तो वेयर एम वन एम टू तो मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पर पे, एन वन एंड एन टू को भी क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर पे। एन वन एन एंड आर टू एन टू आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन इट्स वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली एज वेल एज सी वन बार एंड सी टू बार आर द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ दैम रिस्पेक्टिवली। अब चूंकि क्या है बेटा यहाँ पर पे बस डिफरेंसेस उन्हीं चीज़ों को लेकर है, बट दोनों के लिए क्या है एक सा प्रेशर है यहाँ पर पे, दोनों पर एक सा प्रेशर है, दोनों जो है वो विजल या कंटेनर्स की वॉल पर एक सा प्रेशर चूंकि अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर पे, एक सा प्रेशर इक्वल प्रेशर, दैट मीन्स आप दोनों इक्वेशंस को कर सकते हैं बैलेंस, और जो कि मैंने यहाँ पर पे किया है। तो इक्वल टर्म्स आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे, सेम टर्म्स जो हैं वो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे कि वन बाय थ्री दोनों साइड से कट गया, एट अ सेम टाइम वन बाय वी दैट मीन्स दोनों साइड से वॉल्यूम भी कट गया आपका। अब आपको मिल जाता है कि यहाँ पर पे इक्वेशन नंबर थ्री बेसिकली जो डिफरेंसेस था वही आपस में बैलेंस्ड हो रहा है यहाँ पर पे। अब यहाँ पर पे एक और चीज़ देखिए यहाँ पर पे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर्स हम यहाँ पे क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर्स की कंडीशन। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर्स द मीन काइनेटिक एनर्जीज ऑफ पर यूनिट मॉलिक्यूल्स विल सेम, आपको पता होना चाहिए। बेसिकली जो मीन काइनेटिक एनर्जी है ई जो है मैंने बताया था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट टी, बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिराइव करके बताया था यहाँ पर पे, बताया था इतना कि नहीं जो रिलेशन है यहाँ पर पे मीन काइनेटिक एनर्जीज ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर ऑफ इट, आगे बात यहाँ पर पे समझ। तो भाई यदि टेम्परेचर को ही हम कॉन्स्टेंट ले लेते हैं तो ऑब्वियसली मीन काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी एक सी होगी, और बताया जरा मीन काइनेटिक एनर्जीज का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो दोनों गैसेस सैंपल ए और बी के लिए यदि मैं टेम्परेचर एक सा रखती हूँ तो दोनों के लिए मीन काइनेटिक एनर्जीज को मैं क्या कर सकती हूँ इक्वल करना पड़ेगा यहाँ पर पे, एक सा लेकर के चलना पड़ेगा, और जबकि ये होता है मीन काइनेटिक एनर्जीज का एक्सप्रेशन। तो दोनों गैस सैंपल्स के लिए मीन काइनेटिक एनर्जीज को इक्वल लेकर के चलती हूँ तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों साइड से हाफ हाफ सिंप्लीफाई हो गया और मुझे एम वन सी वन बार स्क्वायर इज इक्वल टू एम टू सी टू बार स्क्वायर मिल जाता है इक्वेशन नंबर फोर। एंड बाय दिस इक्वेशन नंबर फोर यू कैन सब्स्टिट्यूट एम टू सी टू बार स्क्वायर इन द प्लेस ऑफ एम वन सी वन बार स्क्वायर, दैट मीन्स बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर फोर इक्वेशन नंबर थर्ड बिकम्स इन दिस फॉर्म, व्हाट आई एम सेइंग एंड दिस इज द एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू प्रूव। ओके आ रही बात यहाँ पर आपको समझ, एन वन इज इक्वल टू एन टू दैट मीन्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना, द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स एम आई राइट द टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द बोथ है ना, बोथ ऑफ द सैंपल्स ठीक है यहाँ पर पे क्या होगा एक सा होगा, और यही हमको प्रूफ करना था अकॉर्डिंग टू व्हाट द एवोगैड्रो लॉ और द एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर पे प्रूफ कर दी, बहुत ही सिंपल था बेटा, बस समझने का खेल है आपको। चूंकि आप यदि सारी जो चीज़ें सारा जो डिडक्शन हो रहा है जितने भी गैसेस ऑफ फ्लो यहाँ पर पे उन सभी का जो डिडक्शन हो रहा है वो बेसिकली किससे हो रहा है यहाँ पर पे बाय द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और इसका मतलब हमको जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के थ्रू जो एग्जैक्टेड प्रेशर सॉरी जो अप्लाइड प्रेशर का एक्सप्रेशन है यहाँ पर पे उसी प्रेशर के साथ आपको कंटिन्यू होना है यहाँ पर पे उसी प्रेशर के साथ। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर पे ये लॉ भी फुलफिल हो गया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स को भी फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पर पे। ओके लेट्स टॉक अबाउट द ग्राहर्ट्स
ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये थोड़ा सा आपके लिए नया यहाँ पर पे, एक बार इसको देखिए क्या यहाँ पर पे बेटा। बेसिकली ये लॉ क्या बोलता है, यदि हम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की बात करें यहाँ पर पे, जिसको हम ग्राह पढ़ते हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है बेसिकली, ये लॉ क्या बोलते हैं पर पे। तो मैं पहले इस लॉ को यहाँ पर पे लिखी हूँ, आप देख सकते हैं मैंने लॉ को क्या लिखा है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली इट्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। आधी बात समझ, यहाँ एक नया वर्ड यूज हुआ है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैसेस की बात करें यहाँ पर पे, उस डेंसिटी के स्क्वायर रूट के। आधी बात यहाँ पर पे समझ, यदि मैं इस चीज़ को मैथमेटिकली लिखना चाहूँ उस लॉ को, तो हाउ वी कैन राइट इन द टर्म ऑफ मैथमेटिकली, वी कैन राइट इन द फॉर्मेट ऑफ दिस, वेयर आर इज व्हाट, दिस इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस व्हिच इज व्हाट, इनवर्स आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस डेंसिटी ऑफ इट्स गैसेस, उस गैस के डेंसिटी के स्क्वायर रूट का इनवर्स होता है, है ना। आधी बात समझ, स्क्वायर रूट के साथ उसका इनवर्स रिलेशन होता है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू व्हाट दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू व्हाट दिस लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सो एंड हाउ वी कैन डिराइव दिस लॉ, इस लॉ को कैसे डिराइव किया जा सकता है, अगैन फॉर दिस अगैन कंटिन्यू विद द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वी हैव द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर्स चार्ज्ड बाय द गैसेस, व्हाट दिस वन। बस आप देख सकते हैं यहाँ पर पे बहुत ही सिंपल वे में मैंने इस चीज़ को प्रूव किया, मास बाय वॉल्यूम बेसिकली, चूंकि डेंसिटी आज है दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशन, जिसमें से एक तो रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है, हियर इज नो डाउट विच विल बी डिनोटेड बाय द आर, एंड सेकेंड वॉट, सेकेंड जो फिजिकल क्वांटिटी वो क्या यहाँ पर पे डेंसिटी। तो यहाँ पर पे आपको मास बाय वॉल्यूम को, जो कि बेसिकली डेंसिटी होता है, यहाँ पर पे मास बाय वॉल्यूम को रिप्लेस कर देना है आपको डेंसिटी से। आपके पास क्या था यहाँ पर पे राइट में, एम बाय वी था, दैट मीन्स द मास ऑफ द गैसेस, वी इज व्हाट द मास ऑफ द सॉरी द वॉल्यूम ऑफ द गैस और द कंटेनर। आधी बात यहाँ पर पे समझिए, जो रेशियो है इसको डायरेक्टली एज अ डेंसिटी लेकर के रो से आपको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। देखिए रो आ गया अब आपके पास, आधी बात समझ यहाँ पर पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर पे आप क्या किया गया, चूँकि सी बार, यहाँ से यदि आप सी बार स्क्वायर निकाले तो आपको क्या मिलेगा, 3p बाय रो मिलेगा, ठीक है। अभी जो सी बार है, जिसको हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज पढ़ते हैं यहाँ पर पे, वो बेसिकली क्या मिल जाता है यहाँ पर पे, इज इक्वल्स टू भाई सी बार स्क्वायर है, सी बार स्क्वायर से सी बार निकाला जा रहा है यहाँ पर पे, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट आपने हार किया, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाता है यहाँ पर पे। अब आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, आरी बात समझ, यहाँ पर पे आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, बेसिकली ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो लेट मी क्लियर हमारा जो टारगेट है यहाँ पर पे, है ना, हमारा जो टारगेट है वो क्या था बेटा यहाँ पर पे, इस रिलेशन को, एक तरफ आर और दूसरे तरफ क्या था यहाँ पर पे, डेंसिटी का रो, इन दोनों को आपस में रिलेट करना हमारा टारगेट था। बट ये जो आर है आपका, दैट मीन्स जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस है यहाँ पर पे, ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है किससे, डायरेक्टली रिलेटेड होती है इस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैसेस से, डायरेक्टली रिलेटेड होती है। तो यदि मैं डेंसिटी को लिंक कर देती हूँ किसके साथ, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैसेस के साथ रिलेट कर देती, तो उसे रेट ऑफ डिफ्यूजन्स के साथ रिलेट करना बहुत आसान हो जाता है यहाँ पर पे। आई बात समझ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी कंटिन्यू विद द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दैट मीन्स व्हेन वी कंटिन्यू विद द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर, व्हाट वी गेट दिस वन थिंग, हम यहाँ तक तो पा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, यहाँ तक आने के बाद हमको क्या मिल जाता है, सी आर एम एस और डेंसिटी रो के बीच रिलेशन पता चल जाता है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, ठीक है। अब चूंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो है वो क्या होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके, सी आर एम एस के, है ना। तो इस तरीके से आपको इन दोनों के बीच रिलेशन मिल जाता है, मतलब वही सेम कंडीशन जैसे कि मैंने बताया, पहला यदि दूसरे से रिलेटेड है और दूसरा तीसरे से, तो ऑब्वियसली पहला भी तीसरे से रिलेटेड होगा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हुआ है। जिसे हम बेसिकली ट्रांजिटिव लॉ पढ़ते हैं, मैथ्स में पढ़े तो क्या पढ़ते हैं, ट्रांजिटिव लॉ पढ़ते हैं। ट्रांजिटिव लॉ का मतलब क्या है, पहला दूसरे से रिलेटेड है और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी तीसरे से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली पहले और तीसरे फिजिकल क्वांटिटीज के बीच भी रिलेशन होगा। और चूंकि पहला दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरा भी तीसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑब्वियसली पहले और तीसरे के बीच भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन मिलेगा। तो यदि मैं पढ़ना चाहूँ तो इस लॉ को मैं ऐसे भी पढ़ सकती हूँ, दैट मीन्स द रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू दी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू व्हाट, दी स्क्वायर, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू दी इनवर्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी।
आधी बात यहाँ पर पे समझ, इन्वर्स पढ़ना पड़ेगा, फिर मुझे इसको क्या पढ़ना पड़ेगा, इन्वर्स पढ़ना पड़ेगा। यदि मैं रिलेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताती हूँ तो मुझे इन्वर्स स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी पढ़ना पड़ेगा। व्हाट आई एम सेइंग प्लीज़, ये सारी चीज़ें दिमाग में बैठाएं। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाई बेटा? चलो ये तो आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक का काम आपने कर लिया। चलिए आज की क्लासेस तो वैसे खत्म होती हैं, लेकिन मैं जो बेसिकली आपको बोलना चाहूँगी वो क्या है यहाँ पर पे, वो देखिए, सॉरी, बेसिकली जो मैं बोलना चाहूँगी वो क्या है, तो बेसिकली जो रिलेशन है यहाँ पर पे, वो रिलेशन जो है, मेन खेल जो है वो किसका है, एक्सप्रेशन पी का है, जो आपने पी के लिए एक्सप्रेशन पढ़ा 1/3 mn c² / v, ये मेन रिलेशन है यहाँ पर, मेन एक्सप्रेशन है यहाँ पर पे, जिसके साथ आपको कंटिन्यू होना है इन सारी चीज़ों को डिराइव करने के लिए। एंड सेकेंड वॉट यहाँ पर पे आपने क्या किया था, पी और ई के बीच एक रिलेशन स्टैब्लिश किया था। पी को क्या बताया था यहाँ पर पे, ई का 2/3 बताया था, इफ़ एम आर आई 2/3 था कि 3/2 था यहाँ पर, आई थिंक 2/3 बताया था। ये एक रिलेशन काम का है, और इसके अलावा, इन दो के अलावा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पर पे वो क्या था, c² का, किसका, c बार को मैंने रिलेट किया था यहाँ पर पे किससे, टेम्परेचर टी से रिलेट किया था। ये रिलेशन भी बहुत ही काम का आपके लिए। एट द सेम टाइम मैंने मीन काइनेटिक एनर्जीज को भी रिलेट किया था यहाँ पर पे टेम्परेचर्स के साथ, और वो रिलेशन था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो बेसिकली ये रिलेशन आपके बार बार काम आ रहे हैं, बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पर पे। तो आप पहले तो इन दो रिलेशंस को स्टैब्लिश करना सीखें यहाँ पर पे, और फिर इन दो रिलेशंस को पूरी पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए आप बाकी लॉ ऑफ गैसेस को डिराइव कर सकते हैं बहुत ही ईजली, बहुत ही क्विकली। होप आपकी क्लास आज की आपको समझ में आई होगी। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।